बंधु माने जो माने ओडिशा सेकेंडरी इलिजिबिलिटी टेस्ट ओस्टेट दौंस जो माने क्वालिफाई करिछंती एवं क्वालिफाई करिनाहंती सेमानक पई गोटे बड़ सूचना ओस्टेट को लेकिन बड़ परिवर्तन वर्तमान हवाकू जाउथिबा सूचना मिलिसि एवं आलोचना मध्य हेउछि कहीं आपण माने जानिथिबे ओस्टेट जो क्वालिफाइंग मार्क थिला पूर्वरु 60 थिला जनरल कैंडिडेट पई एवं रिजर्व कैंडिडेट पिलांग पई 50% थिला जहाँ कि मार्क 90 आ 75 थिला किंतु से माने मार्क जो क्वालिफाइंग मार्क को कौन कले ना जनरल पिलांग पई 45% को कमे देथिले एवं रिजर्व कैटेगरी पिलांग पई 35% को कमे देथिले जहाँ कि आपणकर 68 एवं 53 मार्क रेस्पेक्टिवली होतिला किंतु बंधु माने एथरे वर्तमान सुना जाउची जहाँ भी कथा आलोचना वर्तमान होची विभिन्न तथ्य रु मध्ये स्पष्ट होउची जे पूर्वरु जो 75 आ 90 मार्क थिला ओस्टेड ताहा मध्ये हबाकू जाउची केबे हबो ई ओस्टेड क्वालिफाइंग मार्क 75 आ 90 ता विषय आमे जानिबा आलोचना करिबा तो बंधु माने काहिं की हबाकू जाउची आपण माने जानिथिबे माने पूर्वरु हाई स्कूल रे जॉइन करथिले सेमानकर तो टीचर मानकर प्राय ओस्टेड क्वालिफिकेशन किसी नाला कि रेगुलाइजेसन हवाक पड़ा से ओस्टेड पास करवाक कहला मैंडेटरी कराइला कि परवर्त समय विरोध करमयिक भाव अनडिसाइडेड होती तथापि से रेगुलाइजेसन समय ओस्टेड को देखुं यह सहित आपड़ जानते जो मैंने आम रिक्रुटमेंट अरे ओडिशा रे जो रिक्रुटमेंट एज थिला एजटा को बढ़ी देखते आपण मैंने जानते सब रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी सब कैटेगरी पई एज बढ़ी तेणु जेहेतु एज बढ़ी तीन वर्ष कौन ना 21 22 23 तीन वर्ष एज मध्य रिलैक्सेशन ओडिशा गवर्नमेंट करता सहित आपण देखते बंधु मैंने ओस्टेडर क्वालिफाइंग मार्क को रिलैक्सेशन करदे तेणु वर्तमान आलोचना होगा जाऊँगी जे जेभि भाव में एज रिलैक्सेसन 21 22 23 ये से भाव में आपणकर ओस्टेडर जो क्वालिफाइंग रिलैक्सेसन 21 22 23 पर्यंत हम आपणकर जनरल कैंडिडेट 90 मार्क्स एवं रिजर्व कैटेगरी पिलांग 75 मार्क से पूर्व अवस्था को पुणी फेरा हो कहीं बंधु मैंने यही आलोचना ही होउछि जे जेहेतु रिलैक्सेसन सामयिक भाव कारण कि जो ये रिलैक्सेसन द्वारा कौन हम ना किसी जो मैंने टीचर थे जेहेतु से ओस्टेड पास दरकार होने पास करेंगे रिलैक्सेसन दिगला आउ गोटे कहगला कहीं जेहेतु ओस्टेड परसेंटेज हार कम रोचे से बढ़े दिगला कहीं बढ़ेगला ही यर जो परसेंटेज हो सब हाएस्ट परसेंटेज होने जानते तेणु से अचिवमेंट करने कमे दि जाइला किंतु या सहित आ गए कारण रहा आप जानते जे जेहेतु किछि पिला जो टीचर रिक्रुटमेंट से माने क्वालिफ भल मार्क रखुंत कि ओस्टेड से माने पास कर पारे रिजेक्टेड हो जाती यू दृष्टि रखी से माने मार्कटा को जो क्वालिफाइंग मार्कटा को लोयर करते कि बंधु मैंने पूर्व अवस्था को पुणी फेरीज आलोचना प्रक्रिया आरंभ हो विशेष सूत्र जना पड़ी सीटीईटी होची हमर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी से जो एनसीटी गाइडलाइन अच्छी से मार्क कमा जाए ना से 60% हिं रखा जाए किंतु स्टेट गवर्नमेंट जेहेतु सीटीईटी रो गाइडलाइन अच्छी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी क्वालिफाइंग किसी परिवर्तन करें क्षमता अच्छी स्टेट गवर्नमेंट से मैंने कर जेहेतु आमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आसी जाऊँगी तेणुक ये सब जिन लागू हाँपाई जेहेतु ओस्टेडटा गोटे मैंडेटरी दृष्टि देखा जाएँ गवर्नमेंट तीन चार वर्ष कोहल करदे क्वालिफाइंग मार्क को कितु पूर्व अवस्था को फेरीज आपण मैंने जानते देखूँ गवर्नमेंट एथर क्वालिफाइंग मार्कटा कोहल करते भी क्वेश्चन पैटर्न जो ओस्टेड निश्चित भाव डिफिकल्ट क्वेश्चन थी से तो हुए तो यदि मैंने क्वेश्चन पूर्व लेवल भाया पकड़ा हुए तो 100% रिजल्ट हो जाए से रिजल्ट कम तथा 100% होना आउ गोटे बड़ जिनस कौन आप जानते ये 2022 जो इनिशियल अपॉइंट टीचर रिक्रुटमेंट समय आप देखते बहुत पिला टॉप पोजीशन रखिंट इवन 100
जो 150 रु आपण 120 130 140 रखिकी रखिछंती भल मार्क रखिछंती किंतु ओस्टेट रे से मानकर 20 30 15 17 एमती भया मार्क अछि से माने क्वालिफाई करि पारि नाहंती कहेंगे ना जो गवर्नमेंट जो उद्देश्य रखी करथिले जे ना रिक्रूटमेंट समय रे भलो पिला बळी पडछंती जे ओस्टेट पास न करिकी 100% सक्सेस हेबो नाही कारण सेही अवस्था पुनर्बार आसुचि आ गोटे अच्छे पिला मानकर मध्ये अभिजोग होउछि बहुत कंट्रोवर्सी हे जे गोटे पिला ओस्टेट माइनस मार्क न थाय कि ओस्टेट पास करि पारनु किबळी भाव रे आपणकर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट रे एते मार्क रखि पारुचि ए सब कंट्रोवर्सी दृष्टि वर्तमान विचार चली पुणी थे ओस्टेट आपणकर जो जहाँ पास मार्क थिला सेया हेजिबो।